एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में है, ये एक फ्लेक्सी प्रोग्राम है जो दिव्यांगजन लोगों के लिए, जो डिफरेंटली एबल डिफरेंटली फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और ये पहला बार हमारा प्रदेश से रिप्रेजेंट करने जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में हमारा प्रदेश तीसरा नंबर पे है, और नॉर्थ ईस्ट का सातवा आठवा स्टेट से हम तीन सिलेक्ट हुआ है, इसे क्वालिफाई हुआ है। इसलिए हम बहुत खुश है आज कि हम अपने जो कंटिजेंट को हम आज फ्लैग ऑफ जो सीएफ सेरेमनी जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने आयोजन किया, तो इसमें हम सब आके आज उन लोग को जो ट्रैक सूट को हमने लॉन्चिंग कर दिया, और ये लोग 10 तारीख से 17 तारीख तक हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली में इसका कंट्री में ये पहला बार है जो खेलो इंडिया पारा गेम्स 2023 होने जा रहा है। और हम हमारा जो यहाँ का कंटिजेंट लोगों को बेस्ट विशेष देने आया, उसको हमारा जो आशीर्वाद देने आया हम लोग ने मिलके, और उनका जो आने जाने में सही सलामत पहुँचे उसके प्रार्थना करने के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या क्या कैटेगरी में हम लोग जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और हम कितना लोग प्रोग्राम अभी होने जा रहा है? बैडमिंटन में जा रहा है और पैरा लिफ्टिंग में जा रहा है, दो आउट ऑफ सेवन में हम लोग दो में रिप्रेजेंट करने जा रहा है। एंड वी आर होपफुल दैट हमारा जो कंटिजेंट जो मेडल लेके आएगा, क्योंकि उन्होंने जो सिलेक्शन नेशनल लेवल का जो क्राइटेरिया में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो लोग टॉप में आया है, और मेडल जरूर जरूर लेके आएगा, ये हम लोग का आशा है। तो इस बार का जो एकोमोडेशन कैसे दे रहे हैं प्लेयर्स को, क्योंकि हमेशा देखते हैं तो सबसे ये सब खर्चा उठाते हैं, तो इस बार तो कैसे एकोमोडेशन का जहाँ तक सवाल है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटीरियरली इसका जो उधर रहने का खाने पीन का जितना फूडिंग लॉजिंग सब कुछ कर रहा है, और यहाँ से जाने का जो AC3 का जो फैसिलिटी दिया जा रहा है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ने उन्हें हम लोग फ्लाइट में भेजने का निर्णय लिया इस बार आने जाने, क्योंकि कंटिजेंट कम है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो है हम लोग उसको जो फ्लाइट का फेयर को बियर करेगा इस बार। और ये एक अच्छा खबर है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे सिर्फ ट्रेन का देता है, लेकिन हम लोग ने इसको प्लेन में भेजने का निर्णय लिया है। जो सिलेक्शन हुआ है हमारा स्टेट लेवल में नहीं होता है, जिससे हमारा इंडियन ओलंपिक का जो एथलीट सिलेक्ट होता है, जिससे हमारा इस बार गोवा में पार्टिसिपेंट और नेशनल ओलंपिक गेम को सिलेक्ट हुआ था। वो सारा जो सिलेक्शन होता है जो नेशनल फेडरेशन जो करता है, जो अभी तीन जो हमारा जो एथलीट्स यहाँ सेलेक्ट किए जा रहे हैं, ये भी अपना अपना रेस्पेक्टिव जो नेशनल फेडरेशन लोग जो उनका रिकॉर्ड को देख के एक्सलेंस को देख के तो उन लोग सेलेक्ट किया, नॉमिनेशन दिया है, तो दे हैव क्वालिफाइड फॉर द नेशनल लेवल। तो हम लोग बहुत खुशी है एंड उनको कंग्रेचुलेशन करता हूँ कि हमारा अरुणाचल ओलंपिक और एसोसिएशन का ओर से, अरुणाचल पारा ओलंपिक एसोसिएशन का ओर से, हम लोग और स्टेट का जितना स्पोर्ट्स प्रमोटर का ओर से, उन लोग को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूँ। और होप है उन लोग को, आशा है बिल्कुल उन लोग लगेगा मेडल लगेगा। आई थिंक पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन, देन और को यहाँ में आई थिंक आपको बता रहा था, यहाँ में हमको भी कल ही बताया, कल ही इन्विटेशन दिया, बट बैडमिंटन सो फार आई नो दिम देयर टू हैव थ्री हैव नॉमिनेटेड। वो एक चैलेंजेस है, और हमारा आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और उन लोग मैनेजमेंट कर रहा है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ इट। अभी यहाँ बताया गया उन लोग का अरेंजमेंट, खाने पीने रहने का पूरा गवर्नमेंट अच्छे ढंग से अरेंजमेंट करे। बहुत खुशी का बात है ये अरुणाचल के लिए, हम लोग आज फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम, ये कंट्री में सबसे टॉप स्पोर्ट इवेंट है ये हमारा खेलो इंडिया पैरा गेम जो, और ये पहला बार हो रहा है, और पहला बार में हमारा अरुणाचल का खिलाड़ी लोग ने उसमें क्वालिफाइड किया। और ये आपको बताया, ये क्वालिफाइड जो ऐसे कोई हम लोग यहाँ से किसी को फेवर हो गया, कोई ट्रेनिंग कर रहा है उसको ऐसे सिलेक्ट नहीं, लाम साम से सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर का अचीवमेंट को देखे, प्रीवियस ईयर का बेस को देखे हम लोग को सिलेक्ट किया गया है, तो ये बहुत खुशी का बात है। इंटीरियर नॉर्थ ईस्ट में थ्री स्टेट को सिर्फ सिलेक्ट किया गया, इंक्लूडिंग सेवन से, और बहुत सारा
स्टेट लोग आप लोग देख रहा होगा वो लोग का पास बहुत फैसिलिटी है, उनका पिक्चर है, प्लेयर को फैसिलिटीज दे रहा है लेकिन क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा। ऐसे दुखी का बात है, आज तक हमारा पैरा के लिए स्टेट में कोई ऐसे फैसिलिटीज नहीं है, आपको खुद मालूम है। और ऐसे हमारा दिव्यांग जानों के लिए पॉलिसी भी नहीं है, अभी फिर बनाने के लिए हम प्रोसेस डाला हुआ है। फिर भी हमारा बच्चा इतना पोटेंशियल है, इतना उनका पास ताकत है, आज पहला खेलो इंडिया पैरा गेम में हम लोग 2 स्पोर्ट डिसिप्लिन में 5 प्लेयर सेलेक्ट हुआ है, उसमें से 2 जो पावर लिफ्टिंग है, उसके बाद 3 जो बैडमिंटन इवेंट है। और सारा आप सभी का न्यूज चैनल का माध्यम से हम स्टेक होल्डर्स को और हमारा कितना भी वेल विशर्स को, जो पैरा स्पोर्ट का प्रमोटर्स को और सरकार को भी हम लोग ये वादा करता हूँ कि खाली हाथ हम लोग नहीं आएगा, आप लोग को जरूर अरुणाचल का नाम को हम लोग दिल्ली में जाके सारा स्टेट उसमें आएगा, उसमें हम लोग अरुणाचल का नाम को, अरुणाचल का झंडा को हम लोग उठाएगा और जरूर हम लोग सोना लेने की कोशिश करेगा और वापस आके आप लोग को बताएगा।